उधर कल यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने किया था गठबंधन का दावा, हमारे कुछ बसपा के नेताओं से बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बहन जी ने साफ कर दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इन खबरों को बल किस प्रकार मिला, कल यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने गठबंधन का दावा कर दिया था और ये बात कही थी कि हमारे कुछ बसपा के नेताओं से बातचीत चल रही है। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको सुनवा देते हैं। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से। और इसी खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे तो बसपा के साथ बात चल रही है और बसपा कह रहे हैं कि ये खबरें भ्रामक हैं, मीडिया इस तरह की मीडिया पर एक तरीके से दोष मढ़ रहे हैं, जबकि जो आधार बना है इस खबर का वो बना है एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली का बयान कि बातचीत चल रही है। देखिए बिल्कुल, शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से आते हैं और कुछ समय पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी उनके आजमगढ़ के आवास पर भी गए थे। और शौकत अली जो भी बात कहते हैं कहीं ना कहीं वो पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वही माना जाता है। और जब शौकत अली ने ये बात कही कि बीएसपी के कुछ नेताओं से संपर्क में, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों से बात जरूर हुई होगी, तभी किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके बिल्कुल साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम के साथ जो खबरें चल रही हैं उनकी बातचीत थी वो पूरी तरह से निराधार हैं, भ्रामक हैं। और एक और बड़ा हम कह रहे ट्वीट में जो मायावती ने ऐलान किया है वो ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। ये यूपी में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी गई है, तो एक बड़ा अलायंस वहाँ पर किया है। और ऐसे में माना जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिले, ऐसा गठबंधन देखने को मिले। पर आज मायावती ने ट्वीट करके एकदम स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ बीएसपी नहीं जाएगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि बीएसपी का जो एक मीडिया सेल बनाया है और उसका हम कहते हैं संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है जो पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं सतीश चंद मिश्रा, चलिए कम से कम अब एक मीडिया सेल तो बना जो मीडिया से बात तो करेगा, क्योंकि बसपा में देखिए कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई आपको मीडिया से बात करता नजर नहीं आएगा। कभी भी आप किसी को फ़ोन करिए तो हर, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, हर व्यक्ति मीडिया से बोलने से बचता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर सुप्रीमो का आदेश लेना पड़ता है मीडिया में बोलने के लिए। अब सतीश चंद मिश्रा को बनाया है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है, तो एक हम कह सकते हैं कि मीडिया के साथ शायद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और मायावती ने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि अगर मीडिया को कोई खबर चलानी है तो वो एससी मिश्रा से पहले पूछें, उस तथ्य को परखें और उसके बाद ही ये खबर चलाएं। पर इतना ज़रूर साफ है कि मायावती को ये लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगी तो शायद उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन लोकसभा के जब 2019 के चुनाव हुए, आप नतीजों को देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी तो क्या हुआ, 10 सांसद जीत गए इसी उत्तर प्रदेश में। 2014 में जब अकेले लड़ी तब क्या हुआ था, सबको पता है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही, पूरे उत्तर प्रदेश में 19 विधायक की जीत कर आए थे। अब मायावती की क्या रणनीति होगी, किस स्ट्रेटजी के तहत वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये जो चुनाव होगा 2022 का बीएसपी के लिए तरीके से हम कहें तो बहुत टू और डाई वाला क्वेश्चन होगा। 2007 में सत्ता में थी बहुजन समाज पार्टी 2012 तक, उसके बाद 2012 से 2017 बिल्कुल गायब, 2017 से 2022 बिल्कुल गायब। और अगर 2022 में भी स्थिति नहीं सुलझेगी, पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर आगे क्या क्या रणनीति रहेगी, ये एक बड़ी। जी हाँ बिल्कुल, और बीएसपी के सामने जो खिसकती सियासी जमीन को बचाने की चुनौती तो है ही, बल्कि आने वाले समय में बसपा का क्या राजनीतिक भविष्य होने जा रहा है बहुत हद तक यूपी के आने वाले चुनाव से भी तय होगा।